बेलन घाटी। आज हम अभय श्रीवास्तव जी के साथ जो हिस्ट्री के महारत हासिल किए हुए हैं वाराणसी के हैं, उनसे जानकारी लेंगे बेलन घाटी के बारे में। जी अभय जी बताइए। बेलन घाटी की सभ्यता अभी तक के जितने भी विश्व में पाषाण काल या उससे भी ऊपर के सभ्यताओं की जो कार्बन डेटिंग निकाली गई है उसमें बेलन घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी मानी गई है। जितने भी मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, इन सब से पहले की जो एक पद सभ्यता बनती है उसमें पाषाण काल आता है। पाषाण काल में भी तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन जो बेलन घाटी की सभ्यता है वो इन तीनों पीरियड से कहीं आगे की है। ये जब कोई नदी पे बांध बनाने का कार्य चल रहा था बेलन घाटी में, उसी समय कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, तो जिसके बाद में कार्बन डेटिंग निकाली गई तो पता चला कि जब इसकी तुलना और सभ्यताओं से की गई तो उसमें इसका एज बाकी सभ्यताओं के एज से कहीं आगे था। तो इससे ये ज्ञात होता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में बेलन घाटी की सभ्यता से जो औजार मिले हैं, अब आज के डेट में बल्कि बेलन घाटी की सभ्यता में शायद ये लोग नहीं भी जानते हैं कि ये सभ्यता यहाँ की सबसे पुरानी अवशेष मिले हैं। अब वहाँ सरकारी अपेक्षा कहा जाए या अज्ञान कहा जाए, सरकार द्वारा उसको थोड़ी ध्यान न देना कहा जाए, जो भी कारण रहा हो या किसी और नतीजे की वजह से, आज वहाँ के लोग इस चीज़ को भूल गए हैं कि बेलन घाटी किस लिए जानी जाती है। बस एक नदी और बांध के नाम से लोग पहचान रहे हैं कि हाँ यहाँ नदी बह रही है, बांध काफ़ी अच्छा नज़ारा है, फिल्मों की शूटिंग होती है, इसलिए लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ इसके लिए फेमस है। लेकिन एक्चुअली बेलन घाटी से विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशेष मिलने की वजह से बेलन घाटी अपने लिए इतिहास में अच्छा स्थान रखता है। जी हम और हमारी कुछ टीम बेलन घाटी में सर्वेक्षण के लिए गए थे, तो वहाँ के लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद ऐसा उनके हिसाब से ऐसी कोई जानकारी वहाँ के लोगों को नहीं जो वहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं या 100 साल से रह रहे हैं, उनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। फिर भी कुछ किताबों में, जिस तरह NCERT की किताबों में बेलन घाटी का जिक्र है, काफ़ी उस किताबों से जानकारी मिलती है। इस सभ्यता के बारे में सही बात है कि जैसे कि और सभ्यताओं में गुफाओं में कंदराओं में जो मानचित्र और औजारों के अवशेष मिले हैं, ऐसी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिली है। जबकि मतलब पूरा पाषाण काल तक जो अवशेष मिला है उसमें सिर्फ औजार मिलते थे, तो उसे पहाड़ों के टूटे हुए औजार रहते थे और पॉलिशदार नहीं रहते, उसमें शार्पनेस नहीं होता था, तो उसको औजार बनाते थे। इससे कार्बन डेटिंग से निकाला गया कि ये पूरा पाषाण काल के इस समय की सभ्यता के लोगों को इतनी ज़्यादा विकास नहीं था, मेंटली प्रिपरेशन नहीं था। जबकि बेलन घाटी की सभ्यता तो उससे भी पहले की है। अच्छा। जिस समय लोग कंदराओं और गुफाओं में न रह करके, पेड़ की छाँव में न रह करके अनुमानतः गड्ढे में रहते थे, जहाँ गड्ढा रहता था, जहाँ पहाड़ों का एक खो टाइप का बन जाता था, तो लोग पत्तों से ढक के अपना रहते थे। धीरे धीरे अपना बाढ़ के पानी से या बरसात के पानी से जब भरने लगा तो लोगों ने ऊपर स्थान अपना बनाना शुरू किया, लेकिन जो भी अवशेष मिले वो गड्ढों में मिले हैं। इससे लोगों का, इतिहासकारों का ये मानना है कि यहाँ पे गड्ढे में था। अब जहाँ तक जानकारी की बात है तो भाई सिर्फ यहाँ औजार के अवशेष मिले हैं, ऐसे कोई स्थान का अवशेष नहीं मिला है जहाँ पर लगता हो कि हाँ यहाँ पर लोग रहते थे। वो तो खुदाई के दौरान एक गड्ढे में औजार मिले हैं जिनकी कार्बन डेटिंग निकाली गई तो पता चला कि ये पुराने हैं, ये उसके प्री पोस्ट से पहले के हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता कि लोग यहाँ के, जैसे हर जगह क्या है कि एक अवशेष पड़ा हुआ है तो पुरातत्व वाले उसे संरक्षित कर देते हैं, तो यहाँ तो सिर्फ ऐसे कोई प्लेस मिले नहीं, सिर्फ औजार मिले हैं वो भी बंद कपड़ों में, तो औजार लेकर के वो रख दिए हैं, लेकिन उसका ऐसा कोई प्लेस दिखा नहीं जहाँ पे ऐसा कोई अवशेष दिख, मतलब एक्सप्लेन किया जा सके कि हाँ यहाँ पे इस तरह के लोग निवास करते थे या कोई सामूहिक रूप से यहाँ निवास करते थे। इसलिए हमें जहाँ तक लगता है कि स्थानीय लोगों में इतना दिलचस्पी या कोई रहा है।